चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी सिने का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड 13वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2018 22 दिसंबर को मुंबई में बड़े ही धूमधाम तरीके से संपन्न किया गया। 13वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड में भोजपुरी की नंबर वन अदाकारा आम्रपाली दुबे को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उनकी दर्शकों के बीच बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए दिया गया। जी हां, उनकी 2018 में कई बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में दिए हैं, इसके कारण उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड समारोह में भोजपुरी फिल्मों के कई नामी ग्रामी ने शिरकत किया, जैसे कि दिनेश लाल यादव ने रहुआ, आम्रपाली दुबे, मधु शर्मा, सुभी शर्मा, अंजना सिंह, खेसारी लाल यादव, अजय जीत, यश कुमार, काजल यादव, माया यादव, अनारा गुप्ता, संजय पांड्या, देश मिश्रा जैसे भोजपुरी के दिग्गज सितारों ने अपनी मौजूदगी और धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस से अवार्ड शो में चार चांद लगाते हुए नजर आए। आपको बताते हैं कि ABP5 मल्टीमीडिया द्वारा पिछले 13 सालों से लगातार आयोजित किए जा रहे हैं भोजपुरी का सबसे बड़ा अवार्ड समारोह भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2018 में भोजपुरी फिल्मी दुनिया के हस्तियों ने भी शिरकत किया। इस अवार्ड समारोह के फाउंडर हैं विनोद गुप्ता, जो कि हर साल भोजपुरी अवार्ड का आयोजन करते रहते हैं ताकि भोजपुरी कलाकारों का मनोबल बढ़ा सके।